अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और निहायत ही रहम करने वाला है। आज हमारा जो वीडियो है दैट इज़ ऑन कुरान उर्दू ट्रांसलेशन सूरह 10 यूनुस द प्रॉफिट जोना। बहुत ज़्यादा बेहतरीन सूरह है ये, है ना, एंड पार्ट टू है ये। हमने पार्ट वन कल कर दिया था, आज पार्ट टू जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। सूरह 10 पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें और भी जानने मिलेंगी। आई होप आप हमारी पूरी वीडियो देखते होंगे एंड पूरा उर्दू ट्रांसलेशन पूरा आप सुनते होंगे। जो भी वो बोलते हैं, है ना, हम तो सुनते ही हैं, हम तो समझते भी हैं। आई होप आपको भी अच्छा नॉलेज मिल रहा होगा, अच्छा लाइक आपने तो सुना ही होगा, है ना, अगर मोस्ट ऑफ ऑल जो भी देखते हैं हमारी वीडियो, बट अच्छी बात है आप हमारे साथ अगर देखते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, है ना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो उनको हमारे ही पास लौट कर आना है, फिर जो कुछ ये कर रहे हैं खुदा उसको देख रहा है। और हर एक उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया, जब उनका पैगंबर आता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है और उन पर कुछ जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का ये वादा है वो आएगा कब। कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फायदे का भी कुछ इख्तियार नहीं रखता मगर जो खुदा चाहे। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और न जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो अगर इसका अजाब तुम पर नागहां आ जाए रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करेंगे। क्या जब वो आ वाके होगा तब उस पर ईमान लाओगे। उस वक्त कहा जाएगा कि और अब ईमान लाए, इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अजाब दाइमी का मजा चखो, अब तुम उन्हीं आमाल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। और तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है, कह दो हाँ खुदा की कसम सच है, और तुम भाग कर खुदा को आजिज नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रुए जमीन की तमाम चीजें हों तो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और निदामत को छुपाएंगे, और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और किसी तरह का उन पर जुल्म नहीं होगा। सुन रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब खुदा ही का है, और ये भी सुन रखो कि खुदा का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब खुदा के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों, ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो खुदा ने तुम्हारे लिए जो रिज्क नाजिल फरमाया तो तुमने उसमें से बाज को हराम ठहराया और बाज को हलाल। उनसे पूछो क्या खुदा ने इसका तुम्हें हुक्म दिया है या तुम खुदा पर इफ्तरा करते हो। और जो लोग खुदा पर इफ्तरा करते हैं वो कयामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं। बेशक खुदा लोगों पर मेहरबान है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम जिस हाल में होते हो या कुरान में से कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो हम तुम्हारे सामने होते हैं और तुम्हारे परवरदिगार से जर्रा बराबर भी कोई चीज पोशीदा नहीं है, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज उससे छोटी है या बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सुन रखो कि जो खुदा के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। जो ईमान लाए और परहेजगार रहे उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बशारत है और आखिरत में भी। खुदा की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है। और ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों की बातों से आजुर्दा न होना, क्योंकि इज्जत सब खुदा ही की है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। सुन रखो कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है सब खुदा ही के बंदे और उसके ममलूक हैं, और ये जो खुदा के सिवा अपने बनाए हुए शरीकों को पुकारते हैं वो किसी और चीज के पीछे नहीं चलते,
सिर्फ जन के पीछे चलते हैं और महज अटकलें दौड़ा रहे हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि उसमें आराम करो, और रोजे रोशन बनाया ताकि उसमें काम करो। जो लोग मादाए समात रखते हैं उनके लिए इनमें निशानियां हैं। बाज लोग कहते हैं कि खुदा ने बेटा बना लिया है, उसकी जात औलाद से पाक है और वो बेनियाज है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। ऐ इफ्तरा परदाजो, तुम्हारे पास इस औल बातिल की कोई दलील नहीं है। तुम खुदा की निस्बत ऐसी बात क्यों कहते हो जो जानते नहीं? कह दो कि जो लोग खुदा पर झूठ बांधते हैं फलाह नहीं पाएंगे। उनके लिए जो फायदे हैं दुनिया में हैं, फिर उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। उस वक्त हम उनको अजाब शदीद के मजे चखाएंगे, क्योंकि कुफ्र की बातें किया करते थे। और उनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, अगर तुमको मेरा तुम में रहना और खुदा की आयतों से नसीहत करना नागवार हो तो मैं तो खुदा पर भरोसा रखता हूं, तुम अपने शरीकों के साथ मिलकर एक काम जो मेरे बारे में करना चाहो मुकर्रर कर लो, और वो तुम्हारी तमाम जमात को मालूम हो जाए और किसी से पोशीदा न रहे, फिर वो काम मेरे हक में कर गुजरो और मुझे मोहलत न दो। और अगर तुमने मुंह फेर लिया तो तुम जानते हो कि मैंने तुमसे कुछ मुआवजा नहीं मांगा। मेरा मुआवजा तो खुदा के जिम्मे है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं फरमा बरदारों में रहूं। लेकिन उन लोगों ने उनकी तकजीब की तो हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में सवार थे सबको तूफान से बचा लिया और उन्हें जमीन में खलीफा बना दिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया उनको गर्क कर दिया। तो देख लो कि जो लोग डराए गए थे उनका कैसा अंजाम हुआ। फिर नूह के बाद हमने और पैगंबर अपनी अपनी कौम की तरफ भेजे तो वो उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, मगर वो लोग ऐसे न थे कि जिस चीज की पहले तकजीब कर चुके थे उस पर ईमान ले आते। इसी तरह हम ज्यादती करने वालों के दिलों पर मोहर लगा देते हैं। फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो गुनहगार लोग थे। तो जब उनके पास हमारे यहाँ से हक आया तो कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है। मूसा ने कहा, क्या तुम हक के बारे में जब वो तुम्हारे पास आया ये कहते हो कि ये जादू है, हालांकि जादूगर फलाह नहीं पाने के? वो बोले, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि जिस राह पर हम अपने बाप दादा को पाते रहे हैं उससे हमको फेर दो और इस मुल्क में तुम दोनों ही की सरदारी हो जाए, और हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और फिरौन ने हुक्म दिया कि सब कामिले फन जादूगरों को हमारे पास ले आओ। जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो तुमको डालना हो डालो। जब उन्होंने अपनी रस्सियों और लाठियों को डाला तो मूसा ने कहा कि जो चीजें तुम बनाकर लाए हो जादू है, खुदा उसको अभी नेस्त तो नाबूद कर देगा। खुदा शरीरों के काम संवारा नहीं करता, और खुदा अपने हुक्म से सच को सच ही कर देगा अगरचे गुनाहगार बुरा ही माने। तो मूसा पर कोई ईमान न लाया, मगर उसकी कौम में से चंद लड़के और वो भी फिरौन और उसके अहले दरबार से डरते डरते कि कहीं वो उनको आफत में न फंसा दे। और फिरौन मुल्क में मुतकब्बिर व मुतगल्लिब और किब्र व कुफ्र में हद से बड़ा हुआ था। और मूसा ने कहा कि कौम, अगर तुम खुदा पर ईमान लाए हो तो अगर दिल से फरमा बरदार रहो तो उसी पर भरोसा रखो। तो वो बोले कि हम खुदा ही पर भरोसा रखते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के हाथ से आजमाइश में न डाल और अपनी रहमत से कौम कुफार से नजात बख्श। और हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही भेजी कि अपने लोगों के लिए मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला यानी मस्जिदें ठहराओ और नमाज पढ़ो और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। और मूसा ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने फिरौन और उसके सरदारों को दुनिया की जिंदगी में बहुत सा साजो बर्ग और मालो जर दे रखा है। ऐ परवरदिगार, इनका माल ये है कि तेरे रस्ते से गुमराह कर दें। ऐ परवरदिगार, इनके माल को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को सख्त कर दे कि ईमान न लाएं जब तक अजाब अलीम न देख लें। खुदा ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई, तो तुम साबित कदम रहना और बेअक्लों के रस्ते न चलना। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया तो फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी और तआद्दी से उनका ताकुब किया, यहां तक कि जब उसको गर्क के अजाब ने आ पकड़ा
تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کی، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے۔ جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا؟ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ ان کفار سے کہو کہ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا کچھ ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کی یہ منتظر ہیں۔ کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور ہم اپنے پیغمبروں کو اور مومنوں کو نجات دیتے رہے ہیں، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں۔ اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہوں، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ، اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سو گائز، یہ تھا ہمارا ویڈیو آن اردو ٹرانسلیشن سورہ 10 یونس دا پروفیٹ جونا۔ بہت بہترین تھا آج کا جو ہم نے سنا، ہے نا، زمین سے لے کے آسمان تک سب خدا کا ہی ہے نا، ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہمیشہ ہم سنتے ہیں۔ اینڈ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، مجھے بہت اچھی لگیں، اینڈ بہت کچھ کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی زیادہ اردو تھی تو کچھ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئی، بٹ موسٹ آف آل بہت زیادہ سمجھ آیا۔ مے بی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین یو گائز، بٹ میرے ذہن میں ہے وہ چیز، اینڈ مجھے سمجھ بھی آئی ہے، اینڈ مجھے اچھا بھی لگا ہے۔ اینڈ ہم بعد میں تفصیل سے بھی اس چیز کو ہم
लाइक बयान्स में ज़रूर सुनेंगे सूरास को, जितने बयान्स होते हैं ना तो उसमें भी हम ज़रूर सुनेंगे। यस एंड ये दुनिया में सब कुछ अल्लाह ने बनाई है, हमने सीखा। एंड वो बोले कि रात अल्लाह ने इसलिए बनाई कि हम लोग आराम कर सके, एंड दिन इसलिए बनाए कि हम लोग काम कर सके। एंड जो लोग ईमान लाए वो अच्छे काम ही करते हैं, एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें समझे, हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई। यस एंड उन्होंने ये भी बोला कि अल्लाह ही है जो हमारी जान बख्शते हैं, एंड वही है जो हमें मौत देते हैं, एंड अल्लाह के सिवा हमें किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए जो हमारा फ़ायदा भी ना करें नुकसान भी नहीं। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और भी हमें बहुत कुछ समझ में आया, एंड ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।